हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग टेस्ट पेपर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करना सीखेंगे। और जो मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 14 तक या जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो उन वीडियोज़ का लिंक भी ना आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या फिर अगर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है तो वहाँ से भी जा करके आप लिंक में क्लिक करके देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इन तीनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि राइट दी रेसिप्रोकल ऑफ, यानी कि आपको इन नंबर्स का रेसिप्रोकॉल लिखना है। तो रेसिप्रोकॉल का मतलब आप समझ लो, सीधे सिंपल लैंग्वेज में इसका एक तरह से मीनिंग होता है उल्टा। ठीक है, आपको क्या करना है, अपोजिट कर देना है, उल्टा कर देना है। जैसे ये मेरा 2 ऊपर है, 3 नीचे है, तो बस 3 को ऊपर ले जाओ डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में, और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में, तो बस वही उसका रेसिप्रोकॉल हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा होगा, लेकिन अब आप यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाओगे अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तब। लेकिन अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोज़ देखे हैं एक्सरसाइज के, आपको कॉन्सेप्ट पता है कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो ये भी आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आइए मैं आपको कॉपी में सॉल्व करना सिखाता हूँ। तो देखो, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिख लिया, जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया कि रेसिप्रोकॉल में आपको कुछ नहीं करना है, सीधे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का प्लेस चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 2/3 है ना, तो इसको आप लोग 3/2 कर दो, और जो पावर में उसको एज इट इज़ उतार दो, तो बस यही इसका रेसिप्रोकॉल हो जाएगा। और कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सा आंसर आ गया। दूसरे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास देखो -3 और नीचे में हमारे पास 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो 5 को ऊपर लिखेंगे और 3 को नीचे लिखेंगे, और पावर में 61 जो है हमारे पास वो लगा देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखना कि माइनस की साइन जो होती है ना, हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में न्यूमरेटर में ही लिखी जाती है। तो भले हमारा -3 था और 3 हमारा नीचे चला जाएगा, लेकिन माइनस की साइन आपको ऊपर ही लिखना है। अगर आपके टीचर बोलते हैं कि आप डायरेक्ट मत लिखो, एक स्टेप और कर दो, तब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पहले देखो ये हो जाएगा ना, इसके बाद आप लोग ऐसे लिखना, यहाँ पर हमारा 5/-3 और फिर पावर में 61 डालना, और उसके बाद फिर क्या करना, अगले स्टेप में ये माइनस की साइन को ऊपर ले जाना। साइन को ऊपर ले जाने का भी मेथड मैंने आपको पहले एक्सरसाइज में सिखाया है, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो साइन है वो डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में चला जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर उतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग क्या करोगे, आंसर लिखो एग्जाम में, टाइम बचाना है आपको। उसके बाद आप आ जाते हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो 2/5 है, तो ध्यान रखना कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर सिंगल है ना, तो उसके नीचे हमेशा एक 1 छुपा हुआ रहता है, उसके साथ रहता है। जैसे ये 2/5 है, तो इसका एक्चुअल मतलब होगा 2/1 to the power 5, ऐसे समझ में आया। अगर 2 के पावर में 5 है, इसका मतलब इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, पहले तो विजिबल कर देंगे। अब रेसिप्रोकॉल करना है तो इस 1 को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ, तो 1/2 to the power 5 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकॉल है। सेम टू सेम काम हम लोग को यहाँ पर करना है। देखो -5 है, इसके नीचे एक 1 छुपा हुआ है, तो हम लोग इसको -5/1 के पावर में 6 लिखेंगे, और उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग जानते हैं कि 1 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, लेकिन जो माइनस की साइन है वो हमेशा न्यूमरेटर के साथ ही रहती है, वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के, आप नीचे भी लिखते हो कई बार, लेकिन जब लास्ट में आंसर लिखोगे ना कभी भी, तो माइनस की साइन को ऊपर ही लिखा जाता है या फिर बीच में लिखा जाता है, तो हम लोग यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे -1/5 to the power 6, ये हो गया इसका रेसिप्रोकॉल। तो देखा कितना सिंपल था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया जाए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला जा रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड वी मल्टीप्लाई -6 to the power -1 टू ऑप्टेन अ प्रोडक्ट इक्वल टू -9 to the power -1, यानी इसके हम लोग कितने के मल्टीप्लाई करें, इसमें हम लोग कितना मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा जो प्रोडक्ट निकले ना, जो आंसर निकले वो इतना निकल करके आ जाए। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ पर मान लेते हैं कि हमें इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करनी है, और वहाँ से आपको एक्स की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। आइए कॉपी में समझते हैं इसे भी। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी एक्स, मान लेते हैं कि जिस नंबर के बारे में पूछा जा रहा है वो हमारा एक्स है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा जो क्या बोलते हैं इक्वेशन है, वो कैसे बनेगा। तो हमसे यहाँ पर क्या बोला था कि -6 to the power -1 में कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि 9 to the power -1 आ जाए। तो हमने ले लिया कि हम एक्स ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके से इक्वेशन बनेगा। देखो -6 to the power -1 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्स के साथ, तो हमारा जो आंसर आ रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, वो आ रहा है 9 to the power -1। बस यही हमारा मेन इक्वेशन बन गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और आपका आंसर रेडी है। तो सबसे पहली चीज़, पावर में कभी भी अगर हमारे पास -1 होता है तो एक फॉर्मूला लगता है ना, अगर मान लो ए के पावर में हमारे पास -1 है, ठीक है, या फिर -n है, कोई भी नंबर है, तो हमारा वो क्या हो जाता है कि अगर इसको प्लस बनाना है तो इसका रेसिप्रोकॉल करना पड़ता है। जैसे ए के नीचे एक 1 छुपा हुआ है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, और पावर में जो -n है वो प्लस का n हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखो -6 के पावर में -1 है, तो इस -1 को देखो, अगर +1 रहता तो इसकी कोई वैल्यू नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर में अगर 1 है तो 6 के पावर में 1 यानी कि 6 ही होता है। लेकिन यहाँ पर -1 है, इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो 6 के नीचे एक 1 छुपा हुआ है वो ऊपर आ जाएगा।
हम लोग इसको 1/6 लिखेंगे, माइनस के साइन को ऊपर ही रहने देंगे जैसे कि हमने आपको बार बार बताया है, और ये जो माइनस वन है पावर में ना, ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, एक बार लिख लो, वैसे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख लेते हैं। फिर मल्टीप्लाई में एक्स है इक्वल के उस साइड में सेम वही काम होगा, हमारा 9 के नीचे 1 जो छुपा हुआ है वो ऊपर आ जाएगा, 9 नीचे चला जाएगा, और ये तो पहले से प्लस में है तो इस बार माइनस की साइन भी लगाने की जरूरत नहीं है, और पावर में जो -1 था वो यहाँ पर भी +1 बन जाएगा। अब पावर में हो गया हमारा 1 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालना है तो ये पूरा का पूरा उठा करके इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1/9। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई की साइन लगा लो, ये जो हमारा डिनोमिनेटर में 6 था ये इधर आकर न्यूमिनेटर में हो जाएगा, ये जो -1 इधर न्यूमिनेटर में था इधर आकर के ये -1 डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो देखो अभी मैं यहाँ पर भले -1 नीचे लिख रहा हूँ, लेकिन हम लोग क्या करेंगे जब लास्ट में आंसर लिखेंगे ना, तो माइनस की साइन को फिर से ऊपर ले जाएंगे। अब देखो ये कट हो रहा है मेरा 3 के टेबल से, दोनों 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया, 2 1 जा 2 आ गया, नीचे 3 1 जा 3 आ गया। ठीक है, और -3 आ रहा है नीचे में, लेकिन हम क्या जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस की साइन को ऊपर लिखते हैं, तो -2/3 जो होगा वो होगा एक्स की वैल्यू, यानी -6 पावर में अगर -1 है तो उसका मल्टीप्लाई अगर अपन एक्स से करेंगे तब जाकर, यानी सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, -2/3 से करेंगे तब जाकर के हमारा आंसर जो है ना वो 9 पावर -1 आएगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के पास, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि बाय व्हाट नंबर शुड -20 पावर -1 बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन -10 पावर -1, यानी इसको अपन कितने से डिवाइड करें ताकि हमारा जो आंसर है क्वेश्चन जो है वो इतना आ जाए। तो यहाँ पर भी सेम इसी काम करेंगे, यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं कि एक्स से डिवाइड किया जा रहा है। आइए इसको भी कॉपी में सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने आधा स्टेटमेंट बना करके लिख लिया है कि मान लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर हमारा एक्स है, तो यहाँ हमारे पास -20 पावर -1 का हम लोग डिवाइड करेंगे एक्स से, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था डिवाइड करने के लिए, तो हमने यहाँ डिवाइड की साइन लगाया है, तो इक्वल हो जाएगा हमारा आंसर -10 पावर -1 के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो मेरा है पावर -1, तो उस वजह से मेरा 1 ऊपर चला जाएगा इस 20 के नीचे जो छुपा हुआ है, और ये 20 नीचे आ जाएगा, और इधर हमारे पास माइनस की जो साइन है उसको हम लोग फिर न्यूमरेटर में लिख देते हैं। ठीक है, और ये उसके बाद हमारे पास ये जो -1 ये +1 हो जाएगा, लेकिन उससे वैल्यू तो चेंज होता नहीं है, इसलिए पावर में 1 भी नहीं लिखो, छोड़ दो उसको, फालतू में एक स्टेप बढ़ा देता है हमारा। उसके बाद ये डिवाइड बाय में एक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम जानते क्या हैं, कभी भी जब फ्रैक्शंस को डिवाइड वगैरह किया जाता है तो वहाँ पर एक्चुअली हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं कि जिससे भी डिवाइड किया जा रहा है उसका रेसिप्रोकॉल कर देते हैं। जैसे कि हम लोग ये चीज़ पढ़े हैं ना, जैसे मान लो 2/3 को अगर डिवाइड किया जा रहा है 4/6 से, तो यहाँ पर एक्चुअल में डिवाइड नहीं करते हैं इसको, 2/3 × 6/4 कर दिया जाता है, यानी इधर वाले को हम लोग रेसिप्रोकॉल कर देते हैं, तो वही काम हम लोग यहाँ भी करेंगे, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, एक्स का रेसिप्रोकॉल क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, क्योंकि एक्स के नीचे भी 1 छुपा हुआ है, सभी चीज़ों के नीचे एक 1 रहता ही रहता है, ध्यान रखना। इधर भी हमारे पास ये हो जाएगा 1/-10, फिर माइनस के साइन को ऊपर ही लिख लेते हैं, छोड़ो -10 कर देते हैं इसका रेसिप्रोकॉल, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास पावर में -1 था तो उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है जो कि न्यूमरेटर सॉरी डिनोमिनेटर में चला गया है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको इधर ले आते हैं ताकि ये मेरा न्यूमरेटर में आ जाए, और ये जो मेरा 10 वगैरह है ना इसको इधर ले आते हैं। देखो ये हो जाएगा मेरा -1/20। ठीक है, ये जो मेरे पास नंबर वगैरह है जैसे 10 वगैरह है, इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो इधर आकर के न्यूमरेटर में हो जाएगा 10, और ये जो -1 है इधर आकर के ये हमारे पास डिनोमिनेटर में हो जाएगा, ये इधर आया तो न्यूमरेटर और 1 जो है डिनोमिनेटर आ गया, और इक्वल के उस साइड में मेरा एक्स, जब हम लोग इसको पूरा इधर उठा करके इधर फेंकेंगे तो ये मेरा 1 है इधर, फिर नीचे आ जाएगा और एक्स जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट इसको एक्स लिख देता हूँ, नीचे में जो 1 है उसको नहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है, है ना। तो अब यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो रहा है 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, -1 और -1 पूरा का पूरा कैंसिल, तो 1/2 आ गया, 1/2 = x आ गया। तो आप लोग 1/2 = x लिखो या x = 1/2 लिखो, बात एक ही होता है। अब उसके बाद आपके बुक में देखना ऐसा आंसर नहीं दिया हुआ है, वहाँ पर आपको थोड़ा सा घुमा कर दिया हुआ है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x = 1/2 के पावर में 1 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पावर को -1 बना देता हूँ, तो वो कैसे बनेगा, यहाँ पर हम लोग क्या जानते हैं कि जब पावर में माइनस रहता है उसको प्लस बनाने के लिए हम लोग इसका रेसिप्रोकॉल करते हैं, यानी कि जो हमारा डिनोमिनेटर में है उसको ऊपर ले जाते हैं और ऊपर वाले को नीचे ले आते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास अगर पावर में प्लस वाला नंबर है, अगर इसको माइनस बनाना है तो उसमें भी हमको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकॉल करना पड़ेगा। ये जो मेरा 2 नीचे है इसको ऊपर ले जाओ, 1 को नीचे ले आओ, तो नीचे 1 आ गया तो उसको लिखने की जरूरत है ही नहीं, और पावर में जो प्लस का 1 था वो -1 हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यू जो होती है एकदम सेम होती है, यानी कि यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, केवल इस प्लस वाले 1 को -1 में कन्वर्ट कर दिया, और उसकी वजह से मेरा ये 2 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया, बस और कुछ नहीं, और नीचे 1 आ गया तो हमने उसको नहीं लिखा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखने की जरूरत नहीं रहती है। तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो 2 2 पावर -1 होगा। बाकी अगर आप एग्जाम में इतना भी बनाओगे ना तो वो गलत निकल आएगा, वो भी सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, यहाँ पर जो आगे के क्वेश्चन है ना उन्हें भी मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।